बिजनेस फिलोसॉफी में दुनिया की सबसे ज्यादा महारत हासिल करने वाली चीज है, सेल्स की दुनिया में आपको मांगना सीखना होगा, आपको मांगना सीखना होगा। रोज सुबह भारत का सेंसेक्स, रोज सुबह भारत का निफ्टी, रोज सुबह भारत का एनएसई, बीएसई, एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, जैसे ही भारत के सारे बाजार रोज सुबह खुलते हैं, दुनिया के टॉप बड़े व्यापारी, अरबों खरबोंपति, टाटा बिरला, बजाज, डालमिया, सिंगानिया, सब कहते हैं दे 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 दे। और डेली का 1000 करोड़, 2000 करोड़, 1,00,000 करोड़ रोज मार्केट से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। भारत के 110 करोड़ लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि इनके सम्मान को मांगने में ठेस पहुंचती है। हम मांगेंगे अरे बिड़ला जी के ब्याई जी, ओए अरे मांगले नहीं, जिंदगी भर मांगता रह जाएगा। व्यावसायिक दर्शन शास्त्र कहती है आप जो चाहते हैं उसे मांगे। व्यावसायिक दर्शन, ये शब्द लिख लेना, व्यावसायिक दर्शन शास्त्र, व्यावसायिक बिजनेस फिलोसॉफी। बिजनेस फिलोसॉफी कहती है जो भी जिंदगी में चाहते हो, जो भी जिंदगी में चाहते हो उसे मांगो, पूरा ब्रह्मांड और पूरी कायनात आपको दिलाने के लिए तैयार हो जाएगी। बस पूरे प्राणों से प्रार्थना उठनी चाहिए, फिर वो अधूरी रह नहीं सकती। करण अर्जुन देखिए, दुर्जन सिंह ने मार दिया, दुर्गा तेरे करण अर्जुन को मार दिया, नहीं मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, चाहे धरती का सीना चीर के आए, चाहे आसमान को फाड़ के आए, मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे आएंगे। और ये तो मूवी थी, 1000 से ज्यादा डिस्कवरी पे केस हैं जिनके करण अर्जुन आए हैं। दोबारा बोल रहा हूं, चौंक गए कुछ लोग, ये तो मूवी थी। अकेले कर्नाटक बेंगलोर में, कर्नाटक में 53 केस हैं जहां करण अर्जुन आए हैं, जिन बच्चों की पूरी याददाश्त एक एक जगह जाके लोगों ने देखी है, उन्होंने जो जो बताया उन घरों का एड्रेस जाके देखा है, उन्होंने अपनी डेथ की जो तारीख बताई उस दिन वहां डेथ मिली है, उन्होंने अपने बही खाते बताए वहां बही खाते मिले हैं। और एक केस तो राजस्थान के झुंझुनू का भी है। सारे केस इस धरती पे चीख चीख के बोल रहे हैं, अगर पूरे प्राणों से तूने कुछ मांगा है, पूरे प्राणों से तूने कुछ चाहा है, मिलना ही होगा, आना ही होगा, तुझ तक प्रकृति को वो चीजें पहुंचानी होगी। बस फर्क इतना सा है कि आप पूरी प्राणों से प्रार्थना को उठा नहीं पा रहे हो, पूरी ऊर्जा से। हाँ सर, खुद ताऊजी का ही केस है, आप तो खुद हमारे लिए केस हो गए सर इनको, क्योंकि इतनी नज़दीक तो हमें पहली बार मिल गए। भाई साहब का डेटा रखना सर अपने, क्योंकि मैं आपसे फिर पर्सनली एक बार पूछूंगा दिन में या शाम तक, क्योंकि ये हर एक घटना कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी में कुछ सिखाने को काम में आती है। वाह भाई साहब, आपके साथ कोई भी बैठता है ज़बरदस्त है सर। चलो ऑल राइट, ध्यान दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी को भी एनालिसिस कर लो, आसपास के 10 घरों में, आसपास के 20 घरों में, उनके किसी जानकार में कोई एक घटना ऐसी होगी जो आपको कहेगी कि कोई चीजें हैं जो मांगने से तीव्रता के साथ लौट के आई है, जो मांगने से तीव्रता के साथ लौट के आई है। मैंने आज तक प्रकृति से जो मांगा है वो मिला है, सुमेर सर ने आज तक जो मांगा है वो मिला है, मैडम ने जो मांगा है मिला है, कितने लोग अभी करोड़पति क्लब में खड़े हुए थे, जो मांगा है वो मिला है। इस दुनिया में हजारों लोगों का सफलता का इतिहास है, जो मांगा है वो मिला है। तो जब ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, पूरे प्राणों से उठी हुई प्रार्थना कभी अधूरी नहीं रहती, तो बताओ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? तो बताओ फॉलोअप में पैसा मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? किसी प्लॉट की अगर बात हो गई तो उससे पैसा मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि मांगने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, जिसका कलेजा छोटा रहता है उसको मांगने से हमेशा डर लगता है, वो सारे काम करा लेता है, वो अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर लेता है, वो अच्छी प्रेजेंटेशन दे देता है, वो पूरे प्रोजेक्ट को उसकी निगाहों में, उसकी आत्मा तक आत्मसात करा देता है, लेकिन लास्ट टाइम पे वो बस
पैसा नहीं मांगता। और पैसे मांगने वाली घटना इतनी कैजुअल होनी चाहिए, इतनी इजी होनी चाहिए कि भाई ये दे दो जल्दी से, इसमें मेरे को फर्क नहीं पड़ता, दे दो जल्दी से। ऐसा एटीट्यूड चाहिए, ऐसा। सर देख लो सर, लाख दो लाख रुपए खुले पड़े हो तो आप अभी दे दो, देख लो सर। वो बोले साले तेरे लिए लाख दो लाख खुले हैं। अरे अपना एटीट्यूड बनाओ, अपना एटीट्यूड मांगने जैसा बनाओ, क्योंकि खुद को 10,000 भारी लग रहे हैं तो लाख कैसे मांगेंगे। तेरे सॉफ्टवेयर को थोड़ा मोटा कर, तेरी मोटर का टुल्लू पंप पानी क्यों नहीं उठा रहा रे, तू थोड़ा भारी कर, मांगना सीख। जो चाहते हो उसे मांगो। आपको कार पसंद है, प्रकृति से मांगनी होगी। बंगला पसंद है, और चीख चीख के मांगना होगा। दुनिया की कोई माँ भी बिना बच्चे के रोए दूध नहीं पिलाती, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। आपको बिना मांगे कैसे मिलेगा, आपको मांगना ही होगा, मांगना ही होगा। और मांगने की साइंस में आगे बढ़ रहे हैं। मांगने के लिए तैयार रहो, जो मांगने के लिए तैयार है उसको मिलता ही मिलता है।